फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, वो मैंने क्लियर करा दिया था। अगर उसमें कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझे बता सकते हैं, नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। अब देख लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इसकी पहचान देख लेते हैं पहले। जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द आते हैं वो हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाते हैं। तो हमें ध्यान ये रखना है इसमें वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द आएंगे तो हमें पता चल जाएगा ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, अब इसके नियम देख लेते हैं। नियम क्या है एकवचन, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, वो चेंज नहीं होंगे। एकवचन बहुवचन मतलब सिंगुलर और प्लूरल वही होते हैं। तो एकवचन मतलब ही, सी, इट, राम, बॉय आदि के साथ हैज का प्रयोग करते हैं, वह क्रिया की थर्ड फॉर्म लिखते हैं। अब बहुवचन लेके चलेंगे यानी कि प्लूरल, तो वो होते हैं आई, वी, यू, दे, बॉयज, स्टूडेंट्स आदि के साथ हैव का प्रयोग करते हैं, वह क्रिया की थर्ड फॉर्म लिखते हैं। सिंगुलर मतलब जो एक किसी एक के लिए कहा जाता है वो होता है सिंगुलर, और हमारा प्लूरल होता है एक से ज्यादा के लिए जो बोलते हैं वो हमारा प्लूरल होता है। तो सिंगुलर के लिए यहाँ पे हैज लगाएंगे और क्रिया की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, और प्लूरल के लिए हैव का प्रयोग करेंगे और क्रिया की थर्ड फॉर्म लिखते हैं। दोस्तों, इस टेंस में हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्रिया की थर्ड फॉर्म लिखी जाती है। तो उसके लिए पहले मैं आपको फॉर्म के बारे में बता देता हूँ। तो ये हमारे मीनिंग है, इनके हिंदी मीनिंग है, ये फर्स्ट फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म है, और ये हमारी थर्ड फॉर्म है। तो पहला है नो, नो माने होता है जानना। सेकेंड फॉर्म में इसकी न्यू हो जाएगी के एन ई डब्ल्यू, और ये न्यून हो जाएगा के एन ओ डब्ल्यू एन। ठीक है, अब फिनिश, फिनिश माने होता है समाप्त करना, तो इसकी सेकेंड फॉर्म फिनिश्ड और थर्ड फॉर्म भी फिनिश्ड हो जाएगी। अब डू माने होता है करना, तो डू की सेकेंड फॉर्म होती है डिड और थर्ड फॉर्म होती है डन। और यहाँ पे आ जाइए विन, विन माने होता है जीतना, तो विन की सेकेंड फॉर्म वॉन होती है और थर्ड फॉर्म भी वॉन होती है। टेक माने होता है लेना, तो टेक की सेकेंड फॉर्म हो जाती है टुक और थर्ड फॉर्म टेकन। गिव, गिव माने होता है देना, गिव की सेकेंड फॉर्म गिव और थर्ड फॉर्म होती है गिवन। स्लीप, स्लीप माने होता है सोना, जैसे हम रात को सोते हैं। ठीक है, तो स्लीप की सेकेंड फॉर्म होती है स्लैप और थर्ड फॉर्म भी स्लैप की होती है। राइज, राइज माने होता है निकलना, सेकेंड फॉर्म हो जाएगी इसकी रोज और थर्ड फॉर्म राइजन हो जाती है। ये दोस्तों और देख लेते हैं हम, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। अब देखिए सेल माने होता है बेचना, इसकी फर्स्ट फॉर्म सेल, सेकेंड फॉर्म सोल्ड एस ओ एल डी और थर्ड फॉर्म सोल्ड, थर्ड फॉर्म। अब देखिए टीच की क्या होती है, टीच माने होता है पढ़ाना, तो टीच की सेकेंड फॉर्म टॉट और थर्ड फॉर्म भी टॉट होती है। सिट माने होता है बैठना, इसकी सेकेंड फॉर्म सिट, पहली होती है सिट, सैट, सैट थर्ड फॉर्म। ठीक है, अब सी, सी माने होता है देखना, सॉ सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म हो जाती है सी, एस डबल ई एन। अब राइट माने होता है लिखना, सेकेंड फॉर्म रोड और थर्ड फॉर्म रिटेन। रीड की बहुत से लोग पूछ लेते हैं रीड की और कट की थर्ड फॉर्म, तो देखिए रीड माने होता है पढ़ना, तो रीड की तीनों फॉर्म रीड ही होती है। कट माने होता है काटना, इसकी तीनों फॉर्म कट ही होती है, ये फॉर्म हमसे पूछ ली जाती है। तो ये मैंने आपको फॉर्म बता दिए, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। तो देखिए फ्रेंड्स, अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। पहले सब्जेक्ट प्लस हैज कॉमा हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, इसी तरह से हम सेंटेंस को रख देंगे। तो हमारा क्या होता है कि इसमें हमारा जैसे इसकी पहचान होती है कि जिन वाक्यों के अंत में लिया है, दिया है, किया है, चुका है, चुकी है आदि सब आते हैं, वहां पर हम एक वचन के साथ हैज का प्रयोग करते हैं और बहुवचन के साथ हैव का प्रयोग करते हैं, क्रिया की थर्ड फॉर्म लिखते हैं। तो पहले सब्जेक्ट लिख लेंगे, सब्जेक्ट हमारा क्या है, मैंने, मैंने के लिए आई। ठीक है, अब हैज हैव सब्जेक्ट के अनुसार, तो आई के साथ क्या चलता है, हैव, आई हैव, फिर वर्ब थर्ड फॉर्म, आई हैव लर्न टी, तो आई हैव लर्न द लेसन। अगर एक वचन अगर आता हमारा फर्स्ट फॉर्म तो लर्न, और थर्ड फॉर्म के लिए लर्न, तो आई हैव लर्न द लेसन, इस तरह से सेंटेंस बन जाएगा। अब उसने खाना खा लिया है, तो उसने, ही
has. Eat माने होता है खाना, तो इसकी थर्ड फॉर्म हो जाती है eaten. So he has eaten the food. इस तरह से सेंटेंस बन जाएगा. एक सेंटेंस देखो दोस्तों नेगेटिव का देख लेते हैं. नेगेटिव सेंटेंस का, ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस. ये अफर्मेटिव के हो गए और ये नेगेटिव के. इस स्ट्रक्चर के लिए इसमें सब्जेक्ट प्लस हैज फ्रॉम है प्लस नॉट आ जाएगा बीच में, ठीक है. तो बीमारी के कारण पहले किसे बना लेंगे, तो ड्यू टू इलनेस, ठीक है, बीमारी के कारण. मैं आज स्कूल नहीं गया हूं, तो नहीं आ रहा है तो नेगेटिव का हुआ. मैं तो आई हैव नॉट, गो माने होता है जाना, तो यहाँ पे आ जाएगा थर्ड फॉर्म गो की, थर्ड फॉर्म होती है गॉन. तो आई हैव नॉट गॉन टू स्कूल, इस प्रकार से सेंटेंस बन जाएंगे.